स्वरम द्वार का कहलाए, चारों धाम की महिमा भारी। दर्शन करके नर तर जाए, एक बार की बात है भक्तों। नारद सिर सागर में आए, जहाँ पे श्री हरि विष्णु लेटे। महालक्ष्मी रही पाँव दबाए, नारद जी श्री हरि से बोले। बात को सुनिए ध्यान लगा, भक्तों को ये बात न भाए, कभी तपस्या भी कर लीजिए। कह के नारद जी मुस्काए, नारद जी की बात को सुनके। राज के तल पे आए, वहां पे थी एक सुंदर कुटिया। गए विष्णु के मन को भाए, सुंदर शिव निवास को देखे। विष्णु का मन गया जो भाए, अपने मन में सोच रहे हैं। अब कैसे इस जगह को पाए, शिव जी क्रोधित हो जाएंगे। फिर न तपस्या सफल हो पाए, बड़े ही क्रोधित शंकर जी हैं। विष्णु दरवाजे पे चिल्लाए, फूट फूट के रोने लगे हैं। पार्वती का मन पिघला जाए, जाग उठी माता की ममता। सुन लो ध्यान लगा।
लक्ष्मी माँ गई है आए, तब करते पति देव को देखी, देखी के माता गई हर साए, बद्री का पेड़ बनी है माता, पति को कष्ट न होने हर विष्णु गए हर साय, महालक्ष्मी से विष्णु बोले, बात को सुन लो ध्यान लगा, तूने भी तप किया मेरे संग, बद्रीनाथ ये धाम कहा, नर और नारायण भी यहाँ पे भीषण तप किए हैं आए, कहीं भी यहाँ पे शंख न बजता, इसका कारण रहा पता, बद्रीनाथ मंदिर में आए, मंदिर में एक शंख रखा था, उसी में राक्षस गया समा, इसी कारण से बद्रीनाथ में कथा में रही सुना, दिल धड़कता है मूर्ति में, जो श्री कृष्ण का दिल कहला, सारा तन जल गया है कृष्ण का, लेकिन दिल ना जलने पाए, जगन्नाथ की मूर्ति में दिल श्री कृष्ण के आन समाए, कथा है पावन जगन्नाथ की, धारा में जो बैकुंठ कहा, जिनकी जाति सबर कहा, विश्व वसु था जिनका मुखिया, नील माधव को शीश नवा, गुफा में छुपा के मूर्ति को रखा, नीलांचल की गुफा कहा, सबर जाति के आदिवासी, जिनके पिता भारत कहलाए, जिसकी माता सुमति लगती, जगन्नाथ का भक्त कहा, बहुत विशाल वो यज्ञ किया है, दिया सरोवर भी बनवाए, श्री हरि दर्शन दिए सपने में, बोले इंद्र तू मन से जा, नीलाचल पर्वत की गुफा में मेरी मूर्ति लो खुजवा, मेरा सुंदर स्थापित तो करवाए, राजा ने सेवक को भेजा, मूर्ति की राह खोज करा, विद्यापति नाम का ब्राह्मण, बहुत चलाक और चतुर कहा, विश्व वसु के पास गया है, पता लगा, एक दिन वो गुफा में जाकर मूर्ति को वो लिया चुरा, इंद्र तुमन के पास में लाया, राजा को दिया मूर्ति थमाए, गुफा से मूर्ति चोरी हुई तो विश्व वसु भी दुखी हो जाए, दुखी देख के भक्त को भगवान, लौट के फिर गुफा में आ, इंद्र तुमन से वादा किया है, लौट के मैं जाऊंगा, मेरा एक मंदिर बनवा दो, मुझे स्थापित देना करा, इंद्र तुमन मंदिर बनवाया, विष्णु जी को रहा बुला।
सासु को राजा बुलाए। नील माधव का भक्त कहा लकड़ी उठाने उसको भेजे। उसने लकड़ी दी है उठा, पास में मंदिर के लाया है। देख के इंद्रदुमन हर्षा, मूर्ति गढ़ने का समय आ गया। राजा कारीगर को बुलाए, कारीगर कोशिश कर हारे। से बोले जाए मैं ही मूर्ति बना पाऊंगा, लेकिन एक माह लग जाए बंद दरवाजे में मूर्ति बनाऊं। देख न कोई खोल न पाए, एक माह अंदर जो खोले मूर्ति अधूरी ही रह जाए। 29 दिन जैसे ही बीते, राजा को चिंता रही सताए, कोई आवाज नहीं आ रही है। चिंता सता रही है। खोल दिए दरवाजे जाए, पूरी मूर्ति बनी है, लेकिन मूर्ति का हाथ न बनने पाए। अंतर ध्यान हुए विश्वकर्मा जी। पूजा अधूरी मानी जाए, जो भी द्वारका पूरी को जाता।
चुपचाप रुकमणी को जा, इसी स्थान पे खड़ी रहो तुम। अब आगे ना बढ़ने पाए जहाँ पे रुकमणी रानी खड़ी थी। कृष्ण वही मंदिर बनवा, द्वारकाधीश का मंदिर बन गया। विश्वकर्मा ने दिया बना, दो द्वार है इस मंदिर में। नगरी समुद्र में जाए कृष्ण के पोते ब्रिज नाव ने मंदिर का निर्माण कराए। 2000 साल पुराना मंदिर, ऊपर ध्वजा रही लहराए, भक्त वहां जो दर्शन करते, दर्शन करके मोक्ष को पाए। धाम रामेश्वर है अति पावन, जो कि चौथा धाम कहा, जिसकी कथा में रही सुना हरण किया रावण सीता का। बानर सेना पता लगा श्री राम सेना के संग में, गए समुंदर तट पे आए, उस पार थी लंका नगरी। शंभू का ध्यान लगा, एक दिन पूजा करना भूले। मन में सोच रहे पचता, शिव का पार्थिव लिंग बना के, शिव से विनय किए हैं जाए, आ गई है घनघोर विपत्ति। हे शिव शंभू आप बचाए, मेरी प्रिय का हरण हुआ है। कैसे पार समुंदर जाए, विजय का प्रकट होके शंभू मुस्का, आशीर्वाद विजय का दिए हैं। श्री राम जी गए हर साल, शिव शंभू से राम जी बोले। शिवलिंग इसमें आपका वास हो जाए, श्री राम से शंभू बोले। बात को सुनिए ध्यान लगाए, आपके द्वारा स्थापित शिवलिंग रामेश्वरम ज्योतिलिंग कहा, आपका नाम रहेगा आगे, पीछे मेरा नाम लग जाए। राम जी द्वारा स्थापित शिवलिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा, शिव जी की पूजा करके प्रभु जी पार समुंदर लंका, लंका में रावण को मारे। शिव के आशीर्वाद को पाए, ब्रह्म हत्या लगी श्री राम को। रामेश्वरम धाम को जाए, सीता को भी संग ले जाकर शिव पूजन कर ध्यान लगा। ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा, दूजा नहीं है कोई उपाय। श्री राम सीता के संग में पावन धाम रामेश्वर में आए, शंकर जी पूजन कर रहे, शिव शंभू भी रहे मुस्का। दोष खत्म हुआ ब्रह्म हत्या का, शिव शंभू फिर प्रकट हुआ। शिव शंभू श्री राम से बोले, ये मेरा